फायरवॉल चला रहे हैं, हुकूमत ने हुक्म दिया, हम अमल कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीए की कायमा कमेटी बराए आईटी को ब्रीफिंग, कहा 27 अगस्त तक इंटरनेट सर्विस मुकम्मल बहाल हो जाएगी। एक ऑप्टिक फाइबर केबल खराब है, ठीक होने में 7 रोज लगेंगे। तोशाखाना 2 में गिरफ्तारी के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्तें गैर मुअस्सर करार, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दरखास्तें मुस्तरद कर दी। 190 मिलियन पाउंड केस में फैसला ना सुनाने का हुक्म इम्तिना खत्म, नैब ने रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने वजीर दाखिला बलूचिस्तान जिया लांगू को डी नोटिफाई कर दिया। वजारत दाखिला का कलमदान भी कलअदम करार, ट्रिब्यूनल का 7 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म। कराची कारसाज ट्रैफिक हादसे की मुलजिमा नताशा की दिमागी हालत दुरुस्त करार, जिना अस्पताल में नफसियाती वार्ड के सरबरा कहते हैं। मुलजिमा के अहले खाना ने बताया था कि वो जहनी मरीज हैं, मगर कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। सिटी कोर्ट ने मुलजिमा का 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। बिलावल भुट्टो का विजन था, हमें अपने अस्पताल बेहतर करने हैं, सेहत के शोबे की तरक्की हमारी तरजीह है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू, कहा बिजली का मसला बहुत संगीन है, थर पार प्लांट से 3000 मेगावाट से जायद बिजली पैदा हो रही है। और रावलपिंडी टेस्ट में बांग्लादेश का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला, बारिश के बाद ग्राउंड गीला होने के बायस ताखिर का शिकार हुआ।